लोकेश पांडे चैनल के अपने स्टूडियो से एक उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से बड़ी खबर आई कि वहां हमारे रिपोर्टर जो प्रभारी लोकेश पांडे चैनल के द्वारा स्पॉट पर गया गया जानकारी ली गई, उनके अनुसार जो रिपोर्टिंग ये मिली कि एक चर्चित अपराधी हरीश पासवान जो हल्दी बलिया के रहने वाला था, अचानक वहां के पुलिस एसटीएफ के द्वारा मुठभेड़ हुआ। ये मुठभेड़ आपको रसरा थाना क्षेत्र में नींबू चट्टी के पास होने के बाद बताई गई और उसमें दोनों के बीच में मुठभेड़ हुआ और वहीं एक कुख्यात अपराधी जिस पर 30 मुकदमा लंबित था, ये चर्चित अपराधी 1 लाख का इनामी ये हरीश पासवान को मुठभेड़ में मार गिराया गया। ताजुब इस बात का कि इतना बड़ा अपराधी हरीश पासवान स्पॉट में मारे जाते हैं और उनके पास पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद है लेकिन गोली का नहीं मिलना। दूसरी बात यह है कि वहां पर इतना बड़ा अपराधी खुलेआम जो योगी जी दावा करते हैं कि इनके क्षेत्र में ये कोई भी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है, दिन दहाड़े इतना बड़ा अपराधी बलिया जिले में घूमता हुआ कैसे घूम रहा था, यह भी आश्चर्य और जांच का विषय है। चलिए सीधा देखिए वहां के एसपी का बयान और स्पॉट। आज जनपद बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र में एसटीएफ की टीम के साथ एक शातिर अपराधी हरीश पासवान, इस पे कुल 32 मुकदमे दर्ज हैं, 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हत्या, लूट, रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फिरौती हेतु अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। उसके द्वारा उसका वह अपने किसी साथी के साथ किसी से मिलने जा रहा था, उस दौरान पुलिस टीम जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम के द्वारा जो हरीश पासवान था उसे गोली लगी है। अन्य जो भी इसमें विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई होनी होती है वह प्रचलित है, जो भी आगे डिटेल्स आएंगे आप सबको अवगत करवाया जाएगा। कितनी गोली लगी है? इसके एक डिटेल प्रेस नोट अभी हम जारी कर रहे हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। अभी क्या स्थिति है सर? घोषित था इसमें 1 लाख रुपए का इनामी था, ये 32 मुकदमे थे, कुल 4 राज्यों में इसके द्वारा अपराध किया गया, 4 राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे जिनमें मुख्य रूप से हत्या के कई मुकदमे, लूट के मुकदमे, एक्सटॉर्शन और फरंगदारी के मुकदमे, फिरौती हेतु अपहरण, 307 गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। अभी क्या स्थिति है उसकी? 1 लाख रुपए का वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनामिया था, पुलिस की टीम इसको खोज रही थी और हाल ही में इसके द्वारा बैरिया में एक हत्या में इसकी संलिप्तता थी और उसके बाद एक व्यक्ति को इसके द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी ना देने पे जान से मारने की धमकी दी गई थी। सर इतना बड़ा अपराधी बलिया में सक्रिय था, ये सूजी टीम कहाँ थी और उस समय थी कि नहीं मौके पर? देखिए लगातार टीम हमारी इसकी सुराग रसी और पता रसी में लगी हुई थी, इसके अलावा क्योंकि 4 राज्यों से वांछित था तो एसटीएफ की भी टीम्स इसके ऊपर लगी हुई थी, सब लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे और इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी प्रयत्न में आज पुलिस को देख करके जब ये भाग रहा था और उसके बाद इसने जब पुलिस पे फायरिंग किया तो जवाबी वो उसने। अभी सर क्या स्थिति है, जिंदा है या मृत हो गई उसकी? डॉक्टर्स से बात करके मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हूँ, डॉक्टर से बात करके मैं आपको बता दें।